हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसकी मदद से आप अपने हाउस का पहले ही डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, वैसे भी आप अपने किसी भी आर्किटेक्चर से अपनी डिज़ाइनिंग करवाते हो तो वो तो करवाएंगे, लेकिन उससे भी पहले आप अपने फ़ोन से ही अपने हाउस की एक डिज़ाइन बना सकते हैं। तो जानना चाहते हैं अगर आप इस एप्लीकेशन के बारे में, तो फिर देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे यहाँ पर प्लानर 3D एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने पूरे हाउस की डिज़ाइनिंग पहले ही कर सकते हैं। तो फिलहाल इस एप्लीकेशन को मैंने पहले से ही डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखा हुआ है। आप चाहें तो इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल इस एप्लीकेशन को हमने पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ से प्राइवेसी नोटिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये एप्लीकेशन हमारे सामने पूरी तरह से ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हमें पहले से भी कुछ डिज़ाइन दिए गए हैं, लेकिन हमें यहाँ पर अपना नया प्रोजेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने एक प्लेन शीट आ चुकी है। तो यहाँ से हम चाहें तो इसे 2D मोड में देख सकते हैं या फिर 3D मोड में भी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम डिज़ाइनिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं। यहाँ प्लस वाले बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम चाहें तो काफ़ी सारे रूम हैं जो कि अलग अलग साइज़ में दिए गए, यहाँ से वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर होम का एक बटन दिया गया, यहाँ पर हम विंडो सेलेक्ट कर सकते हैं, आर्क सेलेक्ट कर सकते हैं, डोर सेलेक्ट कर सकते हैं, पार्टीशन, स्टेयर्स, इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत कुछ दिया गया। यहाँ पर हमें फर्नीचर में काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जैसे कि बेड्स, स्टोरेज, टेबल्स, चेयर्स वगैरह। इसके अलावा हम चाहें तो अपने गार्डन के लिए प्लांट्स या फिर ट्रीज भी ले सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर सबसे पहले एक रूम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक रूम ऐड हो चुका है और यहाँ से कुछ विंडोज़ ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे विंडोज़ दिए हुए हैं, जो आपकी मर्ज़ी आप चाहें वो उसे ऐड कर सकते हैं। तो कुछ फीचर्स यहाँ पर लॉक्ड हैं क्योंकि अभी हम जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं वो फ्री वर्जन है, हमने इसे परचेस नहीं किया। तो यहाँ से हम एक डोर ले लेते हैं और ये ऑटोमेटिक एडजस्ट भी हो सकता है, आप जहाँ चाहें वहाँ इसे कर सकते हैं। इसके बाद फिर प्लस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से कुछ और आइटम को ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ से बेड ले लेते हैं और बेड को जहाँ सेट करना है वहाँ पे सेट कर देते हैं। और चलिए अब यहाँ से हम इसको 3D व्यू में देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें ये 3D व्यू में देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी हाउस की पहले से ही डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अपने फ़ोन पे ही। तो फिलहाल मैंने तो ये केवल आपको समझाने के लिए हाउस बना के दिखाया था, तो आप फिलहाल इसको ठीक से बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को नई वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।